दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई के चलते आम जनता में सरकार के प्रति खासा रोष है। नूरपुर में लोगों ने अपना रोष प्रकट करते हुए कहा कि मोदी सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, आम जनता से इस सरकार को कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही रहा तो आने वाला समय काफी मुश्किल होगा। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, जिस वजह से आम जनता में काफी रोष है। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम आसमां छू रहे हैं। कांग्रेस सोशल मीडिया प्रभारी राजन शर्मा ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दामों का सीधा असर गरीब व मध्यम वर्गीय लोगों पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाला समय काफी मुश्किल होगा। समाज सेवी सुदर्शन शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है, मोदी सरकार को लोगों से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सरकार उद्योगपतियों की सरकार बनकर रह गई है, जनता की इसे कोई फिक्र नहीं है। स्थानीय निवासी ने कहा कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से वे काफी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि अब ऐसा लग रहा है कि सरकार के नियंत्रण से सब कुछ बाहर होता जा रहा है। मोदी सरकार की यह मजबूरी बन चुकी है कि लोगों की रोजमर्रा चीजें जो हैं, जो उनको जरूरत की चीजें हैं, वो जरूर लेंगे, जैसे पेट्रोल है, डीजल है या गैस है, वो जरूर लेंगे। उनकी दुखती रग पर बार बार हाथ रखना मोदी जी की ये एक आदत बन चुकी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि यदि ऐसा नहीं करूंगा तो सरकार के प्रति, जो देश के प्रति मैंने धन अर्जन करना है, जो मतलब उद्योगपतियों को देना है, और जैसे इनको सिर्फ उद्योगपतियों की ही चिंता रहती है, अडानी अंबानी जो प्रोडक्ट का काम करते हैं उन्हीं को ही बार बार बढ़ाया जा रहा है ताकि वो उसका फ़ायदा ले सकें। इनका सीधा सीधा आंसर हमारी जो गरीब फैमिली है, जो मीडियम फैमिली है, उनके ऊपर सीधा डाका पड़ रहा है, उनकी जेब के ऊपर सीधा डाका पड़ रहा है। अगर यही हालात रहे तो आने वाला समय बहुत ही मुश्किल बन रहा है। आप देख लो 2014 से पहले 2013 में हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खुद बयान है, कांग्रेस सरकार होती थी, वो बोलते थे कि अच्छे दिन आएंगे। क्या यही अच्छे दिन थे? कांग्रेस सरकार के टाइम में कच्चा तेल जो था 120-125 पर बैरल होता था, और पेट्रोल और किट कीमत 70-75 से ऊपर कभी नहीं बढ़ी, और आज देख लो 60-65 के करीब कच्चा तेल है और 100 के पार आंकड़ा चला गया है, तो बहुत ही शर्मनाक बात है। पेट्रोल के दाम आज की डेट में इस चरम सीमा पे पहुंच चुके हुए, जिसका कि हमने कभी यकीन नहीं माना था इस रेट पे पहुंचेगा, और ना पहुंचे थे इससे पहले इस रेट पे, तो ये सरकार के कंट्रोल में नहीं है। मेरे को लगता है सरकार के कंट्रोल से बाहर जा चुके ये सब चीजें, और गैस के दाम भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, और उसकी सब्सिडी भी नहीं आ रही है लोगों के खाते में। लोगों की यही कंप्लेंट्स है कि उसकी सब्सिडी कहां जा रही है, और सिलेंडर के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, और जो पेट्रोल के दाम है वो हमारे देश की अपेक्षा पाकिस्तान में है, इससे हाफ रेट में मिल रहा है, और ये कैसे हो रहा है? हमारे देश की आर्थिक स्थिति पाकिस्तान से बेटर है, लेकिन फिर भी हमारा देश जो है इस तेल के दामों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, सरकार के कंट्रोल में नहीं रह रहा है सब चीजें। सिटी चैनल के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट।